तो यार जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि 699 डायमंड, मतलब कि जिस जिस बंदे ने किया था प्री ऑर्डर तो उसको 699 डायमंड वापस कैसे मिलेगा। ठीक है, तो मैं फेसबुक पे देख रहा था तो एक पोस्ट थी, तो उधर नीचे उस बंदे ने लिखा था कि 699 डायमंड मिल गए वापस, वो किसने, जिसने किया था प्री ऑर्डर, तो उसका क्या सीन है गाइस। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी किया था प्री ऑर्डर और मेरे मेल बॉक्स भी अभी आए हैं 699 डायमंड। ठीक है, वो बैक आ चुके हैं, बैक नहीं आए, बल्कि वो मैं आपको सारा तरीका बताता हूँ, सीन बताता हूँ, वो क्यों आए। ठीक है, वो फ्री के हैं या फिर किस तरह के डायमंड है, उनका क्या सीन है गाइस। ठीक है, तो उसी के साथ आपका कन्फ्यूजन योजना ये मैं दूर कर देता हूँ। बाकी उसी के साथ साथ गाइस, जो कि अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट किसके बारे में, टॉप अप के बारे में, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। और उसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारा एलाइड पास जो आने वाला है तो उसका मैं आपको रिव्यू कराने वाला हूँ। और अभी हमारे मेल बॉक्स में एक चीज़ और भी आई है गाइस, डायमंड के अलावा एक चीज़ और भी आई है जो एडवांस पे आ गई है यार, तो उससे पहले कभी नहीं आई, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ऐसी चीज़ आ गई है। तो वो कौन सी चीज़ है, उस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। बाकी गाइस, आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैं आपको इंस्टाग्राम भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिस बंदे ने टॉपअप करवाना हुआ, जिसने कुछ भी कराना हुआ, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सीन बताता हूँ टॉपअप का। तो ये वाला टॉपअप वेबसाइट है, तो एक बंदे को मैंने टॉपअप किया कितने का, 500 उसने सेंड किया था, उसको मैंने टॉपअप किया कितना, 420 डायमंड का। ठीक है, तो अभी वो बंदा बोल रहा था कि आपने 200 का टॉपअप किया और 200 बोनस लगा, तो सीन ये आप देख लो इधर से। तो आप अगर इस वेबसाइट से टॉपअप करते हो, पहली बार आप मुझसे करवाते हो टॉपअप 200 डायमंड का, तो आपका जो 200 वाला जो डिस्काउंट है वो हो जाता है ख़त्म। जैसे कि इसने करवाया था 200, मतलब कि इसने 500 वाला टॉपअप कराया था 420 में, वो वाला डिस्काउंट इसका ख़त्म हो गया, बाकी वो दूसरा था वो इसका ख़त्म हो गया। मतलब कि इसके आईडी पे दो दो डिस्काउंट और भी रहते हैं, बाकी ये रहा कोड। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि रियल कितने में होते हैं ये डायमंड्स। ठीक है, तो वो बंदा कह रहा था कि आपने 250 रुपये का टॉपअप किया है, 250 के आपने पैसे कटे, और आपने मतलब कि आपने मेरा 250 रुपया रख लिया गाइस। ठीक है, तो अभी आप ये सीन ये देख लो, ये सारे रेट्स हैं टॉपअप के, और देख लो गाइस ये तुर्की करेंसी है, तुर्की लीरा की करेंसी है ये। तो इधर से आप देख लो, ये है इधर देख लो गाइस 315 डायमंड का। ठीक है, मतलब कि मैंने उसको ये वाला टॉपअप किया था, उसको मिले थे 420 डायमंड। तो यार अभी मैं आपको ना 420 डायमंड है तो उनका मैं आपको रेट भी बता देता हूँ, तो वो कितने के आते हैं। तो आपने भी अगर टॉपअप करवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, जो आपको जो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आपने ले लेना है। बाकी अगर आप सेकंड टाइम टॉपअप करवाते हो, वही आपको डायमंड मिलेंगे 200+, और आपको 105+, ठीक है 315 मिलेंगे, वही 500 रुपये में। ठीक है, तो ये सीन था, उस बंदे को मैंने किया था ये वाला टॉपअप पेमेंट। तो और इसके अभी हम जो तुर्की करेंसी है तो उसको हम अभी कन्वर्ट कर लेते हैं अपने प्राइस में, तो वो कितने की बनती है वो भी आपको बताते हैं गाइस। ठीक है, बाकी ये सारे टॉपअप हैं, तो ये देख लो गाइस, यार ये देख लो, उसको मैंने किया था टॉपअप कितने डायमंड का, 315 डायमंड वाला टॉपअप किया था, मतलब कि 315 वाला, तो 420 है उसके आईडी पे। तो ये देख लो गाइस, अभी आप इधर देखोगे तो तुर्की करेंसी जो तुर्की लीरा है वो कितने अमाउंट है, वो 35.71, मतलब कि 36 लगा लो या 35 तुर्की करेंसी लगा लो लीरा। तो उसको अगर इधर से हम पाकिस्तानी करेंसी में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो वो उसका मैं आपको रेट बता देता हूँ कितना रेट है। ठीक है, वो सारा कुछ आपको बता देता हूँ गाइस। ठीक है, तो कितने पैसे कटते हैं और कितने बचत होती है, कितना कुछ सेन होता है गाइस, तो वो मैं आपको अभी इधर से बता देता हूँ। तो अभी इधर हम लिखेंगे 35 लगा लेते हैं, चलो 35 या फिर 36 जो भी है 35 लगा लेते हैं, और इसको ज़रब दे देंगे हम 13 से, क्योंकि तुर्की जो करेंसी है वही 12 12 35 40 इस तरह इसका रेट है, 13 लगा लेते हैं रेट। ठीक है, तो ये देख लो गाइस 455 रुपये बनते हैं, और उस बंदे से मैंने लिया था 500। फिर उसके साथ साथ अभी अगर इसमें प्लस किया जाए कुछ टैक्स भी लगता है, जो एक्सचेंज रेट होता है ना तुर्की का, एक्सचेंज रेट होता है इस तरह का ना, तो वो अगर देखा जाए तो ये, फिर उसी के साथ साथ जो आपका कार्ड होता है, जो वीज़ा कार्ड होता है, उसकी भी कटिंग शटिंग करके, तो इस तरह से इतने पैसे बनते हैं गाइस। ठीक है, तो बाकी देख लो 13 रुपये बचें, तो इस तरह से सीन होता है। बाकी जो एक्सचेंज रेट आप सभी को पता है, अगर आप जाकर डॉलर एक्सचेंज करवाते हो, कोई भी करेंसी अगर आप एक्सचेंज करवाते हो ना, बैंक से करवाते हो, कहीं से भी करवाते हो, उसका आपसे टैक्स लिया जाता है, और बाकी ये सीन होता है गाइस। ठीक है, अभी आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जिस जिस बंदे ने टॉपअप करवाना है तो वो इंस्टाग्राम पर मैसेज करे, इंस्टा का लिंक आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बाकी मैं यार एक और भी वेबसाइट ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यार मुझे मिल नहीं रही जिससे आपको सस्ते में टॉपअप मिल सके। तो ये वाली भी वेबसाइट है, इसमें कार्ड शार्ड हो जाता है सब कुछ, पेमेंट भी ओके हो जाता है, पेमेंट इधर से अप्रूव भी हो जाती है, लेकिन जाके वेबसाइट से जब डिसअप्रूव हो जाती है उसका सीन चिन्ह ख़राब हो जाता है जाके। ठीक है गाइस, तो अभी हम बात कर लेते हैं हमारे डायमंड्स के बारे में, फिर उसके बाद लास्ट में मैं आपको अलाइट पास का करवाता हूँ रिव्यू। तो अभी आपको टॉप अप का सारा सीन मैंने आपको समझा दिया, कितनी कटिंग होती है, क्या कुछ सीन होता है, तो सब कुछ आपको अभी अभी क्लियर हो गया होगा। तो जिस जिसने कराना हो टॉपअप, तो वो इंस्टाग्राम पे मैसेज करें मुझे, तो बाकी व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज, व्हाट्सएप नहीं करना यार, व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आते हैं ना मैं देख नहीं पाता, इंस्टा पे मैं आजकल जितने भी बंदे हैं ना
तो उन सबको मैं दे रहा हूँ रिप्लाई गाइस, ठीक है। तो इंस्टा पे मैसेज कर देना, रिप्लाई थोड़ा लेट ही मिलेगा लेकिन मिल जाएगा गाइस आपको, ठीक है। तो बाकी जिसने टॉप अप करवाना उसने लिखना है मुझे टॉप अप चाहिए, तो आपको एकदम रिप्लाई मिलेगा। तो अभी हम आ जाते हैं अपने मेल बॉक्स पे, अभी आपको बताते हैं डायमंड्स गाइस, ठीक है। तो गाइस जो फेसबुक पे एक जो था ना स्क्रीनशॉट जो लिखे थे डायमंड, ठीक है, वो थे 699 डायमंड, मतलब कि जितना का आपका प्रेयर होता है ना 60,000 डायमंड का। तो उसने जो डाला हुआ था स्क्रीनशॉट, तो उसने वो लिखा हुआ था कि मेरा, उसने फेक लिखा था गाइस, ठीक है, कि मेरा जो डायमंड है मुझे वापस मिलने का। तो गाइस वो वापस नहीं मिले, बल्कि वो मिले हैं सिर्फ जो पार्ट ऑफ प्रणाम वालों को, ठीक है। वो हमें मिले हैं अलर्ट पास के रिव्यू के लिए, ठीक है। ये देख लो, ये बैजेस मिले हैं, फिर उसी के साथ साथ ये डायमंड है, ठीक है, 699 डायमंड है। ये नीचे लिखा भी हुआ है अलर्ट पास रिव्यू। तो ये इस बार मुझे जो बैजेज हैं वो एडवांस पे ही मिल गए। आप सभी को पता है कि मैं हर बार बैजेज परचेज करता हूँ, लेकिन इस बार जो बैजेज हैं वो एडवांस में मिल गए, अभी एलाइट पास आया ही नहीं है गाइस, ठीक है। तो ये 699 डायमंड मुझे एपी जो मैंने कल प्री ऑर्डर किया था उसके मिले हैं, बाकी ये मुझे मिले हैं उसके, ठीक है गाइस। तो अभी हमारा अलर्ट पास भी आने वाला है, तो कौन सा अलर्ट पास है उस अलर्ट पास का मैं अभी आपको नेक्स्ट रिव्यू करवा देता हूँ। तो बाकी आप लाइक मार दो वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बाकी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे मिल जाएगा, उस पर आपने अपनी वीडियो मुझे सेंड कर देनी है गाइज, तो आपका मैं गेम प्ले बैकग्राउंड में लगाऊंगा। अभी जो स्टार्ट में आपने जो गेम प्ले देखा है वो सब्सक्राइबर का था, उन्होंने वीडियो सेंड की थी, आपने वीडियो सेंड करनी है डॉक्यूमेंट पे। अच्छा, कुछ बंदे थे उनको पता ही नहीं होता डॉक्यूमेंट होती क्या चीज़ है, किस तरह होते हैं। तो यार सीधे सीधे आपने अपने व्हाट्सएप पे चले जाना है, व्हाट्सएप पे जाके ना आप जैसे हम वीडियो सेंड करते हैं ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, आप सेंड कर देते हो इस तरह से वीडियो, और इस पे आप सेलेक्ट करते हो, तो ये सीन आ जाता है गाइस, ठीक है। तो इधर से आप वीडियो सेंड कर देते हो नॉर्मल, जैसे आप भेजते हो किसी बंदे को भी, तो वो नॉर्मल तरीके से आपकी वीडियो हो जाती है सेंड, जैसे कि ये अभी वीडियो है, तो ये मैं अभी कर दिया मैंने सेंड। बाकी आपने डॉक्यूमेंट में किस तरह भेजनी है, ये जो आपको कुछ बना नजर आ रहा है ना, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, साथ ही जो यूं तीर सा बना होता है ना, गोल मोल वो लाइनें बनी होती हैं व्हाट्सएप पे, उधर आपने क्लिक करना होता है, क्लिक करके तो इधर से वीडियो, जैसे कि ये वाली वीडियो, तो इसको मैं अभी कर दूंगा इधर से सेंड गाइस, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंड हो जाएगी। ये जो फोटो बना हुआ, कैमरा बना हुआ है, कैमरे के साथ वाला जो ऑप्शन, तीन जो लाइन जो घुमी हुई है, इस लाइन पे क्लिक करके आपने व्हाट्सअप डॉक्यूमेंट में करनी होती है, ठीक है। तो ये अभी डॉक्यूमेंट हो जाएगी, तो ये वीडियो ओरिजिनल क्वालिटी में आ जाएगी गाइस। बाकी एक और चीज़ है भाई साहब, बहुत ही रेयर किस्म की चीज़ है, कल आने वाली है रिटर्न पे, बहुत ही रेयर किस्म की चीज़ है। तो वो गेम के रिलेटेड नहीं होने वाली, मतलब कुछ और चीज़ होने वाली है, वो आने वाली है रिटर्न पे, बैक आने वाली है, तो उसकी वीडियो कल आ जाएगी, तो कल मैं आपको बता दूंगा। तो वैसे आप गैस लगाओ क्या चीज़ आने वाली है, ठीक है, देखते हैं किसका गैस सही होता है, किसका तुक्का सही लगता है, क्या चीज़ होने वाली है। गेम की वो चीज़ नहीं होने वाली, बल्कि वो कुछ और चीज़ होने वाली, वो आने वाला है बैक में, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से बंदे सही जवाब देते हैं। बाकी वीडियो को लाइक मत देना, सब्सक्राइब कर देना, आप अलर्ट पास का रिव्यू देख लो। तो गाइस फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, और बाकी अलर्ट पास आप देख के जाओ।